नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नाइट स्टडी में। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर हम लोग जो हैं 5 सीरीज का कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे छठवीं सीरीज को कवर। छठवीं सीरीज हमारी है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो छठवीं सीरीज है वो है हमारी ये MLKJIHGFEDCBANOPQRSTUVZ। इसका मतलब है, इस सीरीज का मतलब है कि यदि यदि प्रथम अर्धांश होता है हमारा को, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, और प्रथम अर्धांश ये है हमारा, प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखा, जाए तो उपरोक्त सीरीज बनेगी। उपरोक्त श्रृंखला का निर्माण होगा, देखिए ये है हमारा जो हमारी सीरीज है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जो वर्णमाला अंग्रेजी उसके प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, एम से शुरू करें ए पे, और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में ही लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश हमारा कौन सा ये है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो उपरोक्त श्रृंखला का निर्माण होगा, यानी कि इस श्रृंखला का निर्माण होगा। और इसी पे हम आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को लेके चलते हैं। इस श्रृंखला में सवाल कैसे आते हैं देख लेते हैं हम। सवाल आते हैं हमारे, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वां के बाएं 6वां होगा। यानी कि इस जो श्रृंखला है हमारी, ये सीरीज है, इसमें इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सीरीज हमारे ऊपर लिखी हुई है। अब इसमें हमको पूछा क्या है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वां के बाएं 6वां होगा। देख लीजिए, दायां मतलब मेरा दायां ये, तो दायां से यहाँ से शुरू करेंगे, बायां ये होता है, शुरू कर दीजिए, लिख लीजिए 13वां के बाएं 6वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए ही हमारे। अब बचा कितना, 6वां अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5, छठवां अक्षर हमारा, यानी कि ये एफ हो गया, एफ आ गया हमारा आंसर, एफ हमारा आंसर आ गया। ये था इस सवाल को करने का जो है बेसिक तरीका। क्या हम परीक्षा में भी इस सवाल को ऐसे ही बेसिक तरीके से करेंगे? अगर परीक्षा में हम सवाल को बेसिक तरीके से करेंगे तो सीरीज लिखने में ही 1 मिनट लग जाएगी, तो हमारा टाइम कवर नहीं हो पाएगा। चलिए हम इसको जानते हैं कि इस सवाल को डायरेक्ट हम अप्रोच लगा के किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम इस सवाल को, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के बाएं 6वां होगा। हमने बेसिक चीज बताई है कि हमको कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर दाएं से, उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पर। तो लिखिए, दाएं से लिखेंगे तो दाएं से कर लेते हैं, दाएं से 13वां
13वां और बाएं से 6वां। ठीक है, अब ये यहाँ दाएं से ही हो जाएगा तो बराबर 13, पता है हमें दायां और बायां आएगा तो प्लस का चिन्ह लगता है, प्लस 6 बराबर हमें 19वां देगा, यानी कि हमको 19वां जो हमारा अक्षर होगा वही इसका सही जवाब होगा। अब या तो एक चीज़ की जाए कि भैया हमने यहाँ तक कर लिया, फिर उसके बाद सीरीज लिख दो और गिन दो अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया जी हमारा उत्तर। ये कोई रैकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर हमको ये मान लीजिए ये श्रृंखला ना दी गई हो, अगर मान लीजिए हम इस श्रृंखला को मिटा देते हैं, चलिए ये लीजिए भैया हमने आपके सामने श्रृंखला मिटा दी, अब ये श्रृंखला नहीं है, ठीक है, तब हम किस प्रकार से अप्रोच लगा के इसको करेंगे। यहाँ आएगा हमारा दाएं से 19वां, अब दाएं से हमने निकाल लिया 19वां, लेकिन दाएं से 19वां अक्षर होगा कौन सा ये हम जानते हैं। देखिए हमारी श्रृंखला है एम एल बी ए, उसके बाद हमारी श्रृंखला एन ओ वाई जेड, यानी इधर से हम काउंट करेंगे तो 13 अक्षर का द्वितीय अर्धांश होता है, तो हम 19 में से 13 निकालेंगे, 19 माइनस 13 बचेंगे कितने 6, यानी कि द्वितीय अर्धांश जो है हमारा उसका काम जो है खत्म हो गया। अब हमारा काम है प्रथम अर्धांश का, प्रथम अर्धांश हमें पता है कि प्रथम अर्धांश जो है विपरीत क्रम में लिखा गया, और जब विपरीत क्रम में लिखा हुआ पाया जाता है तो हमने पहली क्लास में बताया था कि जहाँ भी विपरीत क्रम में वर्णमाला आएगी वहाँ दायां बायां बनेगा और बायां दायां बनेगा, तो जी ये दाएं से है तो यहाँ बाएं से 6वां ढूंढेंगे हम। अब जब बाएं से हमारे 6वां होगा, मान लीजिए बाएं से हमें 6वां मिलेगा, तो बाएं से 6वां होता है अंग्रेजी वर्णमाला में एफ, तो एफ हमारा होगा जी आंसर, एफ हमारा जो होगा वो आंसर होगा। ये है जी यहां तक की इस सवाल की कहानी। आइए दोबारा वो कर लेते हैं, सवाल है हमारा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वां के बाएं 6वां होगा। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वां के बाएं 6वां होगा। दाएं से 13वां के बाएं 6वां है, दाएं से आएगा तो दाएं से ही आएगा भैया, 13 और 6, 19 होंगे क्योंकि यहाँ बाएं आ रहा है। अब हमने यहाँ श्रृंखला भी लिख ली, श्रृंखला में हम जानते हैं कि अगर दाएं से काउंट करेंगे तो 13 अक्षर जो हैं हमारे वो द्वितीय अर्धांश के हैं, वो अक्षर हमने निकाल दिए, हमने निकाला तो 6वां आया। 6वां अक्षर जो हमारा है वो है दाएं से, और हमारा प्रथम अर्धांश लिखा हुआ है विपरीत क्रम में, जब भी विपरीत क्रम में कोई चीज़ लिखी जाती है तो दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है, तो इस वजह से हमारा जो बाएं से 6वां अक्षर होगा वो होगा एफ, और एफ है इस सवाल का सही आंसर। चलिए आगे सवालों पर चलते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के बाएं 13वां होगा। चलिए हमने बेसिक देख लिया, अब एडवांस से करते हैं, हमें यहाँ ध्यान देना दाएं से, यहाँ लिख लिया हमने दाएं से, दाएं से हमने यहाँ पर लिख लिया, दाएं से कितना दे रखा है 8वां, और यहाँ क्या है बाएं से, बाएं से 13वां पूछा है हमारे को, 13वां हमने लिख लिया, सॉरी 13वां हमने लिख लिया, अब ये हमारा दाएं से ही रहेगा 8, यहां बाएं है तो प्लस हो जाएगा 13 बराबर कितना 21वां, बराबर हमारा 21वां हो जाएगा। जब हमारा बराबर 21वां हो जाएगा तो अभी हमें
ध्यान दे रखा है कि एम एल बी ए श्रृंखला है एन ओ डॉट डॉट वाई जेड, यानी ये द्वितीय अर्धांश है, ये 13 अक्षर का है हमारा। और हमको कितना पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है हमें 21वां, तो हम 21 में से द्वितीय अर्धांश 13वां निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, ये 8वां जो अक्षर होगा हमारा दाएं से जो 8वां हमारा अक्षर होगा वही होगा हमारा आंसर। अब चूंकि ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं प्रथम अर्धांश है ये उल्टा लिखा हुआ है, अब जब ये उल्टा लिखा हुआ है तो दाएं से आठवां हो गया हमारा उल्टा दाएं से, तो दाएं को बाएं बना देंगे, क्योंकि हमने विपरीत क्रम वाली वर्णमाला में ये चीज सीख रखी है। बाएं से आठवां हमारा अक्षर होता है H, और H ही हमारा है आंसर। कितना सा था ये है हमारे सवाल का उत्तर। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 4वां के बाएं 3वां होगा। यानी कि चलिए दाएं से पूछा है हमको, दाएं से 4वां के बाएं 3वां, तो दाएं से हो गया हमारा बराबर 4 + 3 = 7, ये हो गई यहाँ पे कहानी बाएं दाएं की। क्योंकि अब यहाँ पे दाएं से पूछ रहा है तो हमारा जो ये आएगा जो 7वां आएगा ये दाएं से, ये एम एल है हमारी, बी ए है, ये एन है, ओ है, और ये हमारी वाई जेड है। यहाँ से इसने पूछा है तो ये 7वां होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि द्वितीय अर्धांश में ये आ रहा है और द्वितीय अर्धांश जो है वो अपने वर्णमाला क्रम में ही है, तो हमको क्या करना है, अब हमें इसका बाएं से मान निकाल देना है। बाएं से मान कैसे निकालेंगे, 26 + 1 - 7वां, तो ये हो जाएगा 27 - 7 = 20वां जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। 20वां जो हमारा अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा, तो 20वां पे हमारा आता है टी, टी हमारा हो जाएगा आंसर। ये थी यहाँ तक की कहानी, 20वां हमारा टी था तो टी हमारा हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन लेंगे इस क्रिया पे पास। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के बाएं 7वां होगा। देखिए अब इसने बाएं से पूछा है, बाएं से हमने लिख लिया जी 13वां के बाएं 7वां। अब यहां बाएं से ही होगा 13वां, बाएं से है, अगर बायां बायां आएगा तो माइनस करते हैं, बायां दायां आएगा तो ये हमारा हो जाएगा जी 6वां अक्षर। अब ये 6वां अक्षर होगा, ये होगा हमारा बाएं से, बाएं से हमारा ये 6वां अक्षर होगा। क्योंकि हमारी जो 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 सीरीज है वो इस प्रकार से है, एम एल बी ए एन ओ वाई जेड, अब सीरीज हमारी इस प्रकार से है, तो हमें बाएं से चलना है, बाएं से इधर से चलना है और 6वां ढूंढना है, बाएं से हमारा 6वां हमको ढूंढना है। अब ये बाएं से पड़ता है, ये प्रथम अर्धांश में पड़ता है, ये 6वां जो पड़ेगा प्रथम अर्धांश में पड़ेगा, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। अब इसको सही क्रम में लाने के लिए बाएं से को हमको दाहिने से बनाना है, बाएं से को हमको दाएं से बनाना है,
तो हम दाएं से बनाएंगे कैसे? प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, 13 में से एक प्लस करके और 6 माइनस कर देंगे तो ये 8वां हो जाएगा दाएं से प्रथम अर्धांश में, दाएं से प्रथम अर्धांश में ये 8वां हो जाएगा। ये पूरी सीरीज में नहीं, ये प्रथम अर्धांश में से 8वां हो जाएगा। और 8वां अक्षर जो प्रथम अर्धांश में से होता है वो होता है एच। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये सीरीज का हमारा जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ सही समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो अगले क्वेश्चन में इसी प्रकार का हम सवाल ले लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 12वां होगा? चलिए लिख लेते हैं। यहाँ बाएं से आएगा क्योंकि यहाँ बाएं से आ रहा है, बाएं से 22वां, यहाँ बाएं है तो बाएं लिख लेंगे 12वां। अब यहाँ बाएं से ही होगा क्योंकि ऊपर बाएं से लिखा हुआ है, तो ये 22 है, ये बाएं से लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा 12। यहाँ भी बाएं से होगा, बाएं से 10वां। अब हमारा जो उत्तर है वो बाएं से होगा 10वां। 10वां कैसे होगा, सीरीज लिख लेते हैं, एम एल बी ए एन ओ वाई जे, ये हमारी जो है सीरीज हो जाएगी। अब इसमें जो हमारा अक्षर है ये बाएं से होगा 10वां। अब बाएं से 10वां है तो फिर वही बात कि भैया ये आ रहा है प्रथम अर्धांश में और प्रथम अर्धांश जो है लिखा हुआ है उल्टा। अब ये उल्टा लिखा हुआ है तो अगर बाएं से है तो इसको दाएं से बनाएंगे तभी हमको सही आंसर मिलेगा, यानी इधर से हम ए से लेके बनाएंगे, ए से कितना आता है। अब ए से बनाएंगे तो हम जानते हैं प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, 13 प्लस 1 माइनस 10 कर देंगे तो बराबर 4 आ जाएगा हमारा, सॉरी 4वां आ जाएगा। अब ये 4वां जो अक्षर होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4वां पे कौन आता है, डी आता है, डी हमारे यहाँ सही आंसर होगा, डी हमारा सही आंसर होगा। ये सीरीज में बस इतने ही प्रकार के सवाल आते हैं, आगे हम सीरीज दूसरे प्रकार की लेते हैं उसके बारे में बताएंगे। अगली जो श्रृंखला है हमारी ये है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्न वर्णमाला श्रृंखला बनेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये हो गया हमारा प्रथम अर्धांश, ठीक है जी, और ये है जेड से लेके एन तक, ये हो गया द्वितीय अर्धांश। अगर इस प्रकार से वर्णमाला दे रखी है या फिर ये शॉर्ट में ये दे रखी है तो हमारी ये इस प्रकार की वर्णमाला श्रृंखला बनेगी। अब इस वर्णमाला श्रृंखला पे किस प्रकार के सवाल आते हैं उन सवालों को हम लेते हैं। इस सीरीज जो वर्णमाला श्रृंखला है हमारा, इस पे आता है हमारा, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला क्रम में तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। पहले चलेंगे हम बेसिक तरीका पे और फिर हम चलेंगे एडवांस। बेसिक तरीका लिख लेते हैं, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसी प्रकार से वो लिखने के लिए बोल रहा है हमको। अब क्या बोल रहा है कि बाएं से 13वें के बाएं 4वां अक्षर कौन सा
होगा। तो बाएं से तेरहवें के बाएं चारवा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से तेरहवा गिन लीजिए, बायां यानी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 तेरहवा अक्षर यानी एम हो गया, और एम है प्रथम अर्धांश में, ये हमारा हो गया प्रथम अर्धांश में, प्रथम अर्धांश में हो गया। तो बाएं से तेरहवें के बाएं यानी एम के बायां होगा तो एम इधर होगा, बाएं कौन सा पूछ रहा, चौथा अक्षर बायां चौथा, यानी यहाँ पे यहाँ से पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे हम 1 2 3 चौथा अक्षर, चौथा अक्षर हमारा होगा आई। आई हमारे जो ये सवाल है उसका सही आंसर हो जाएगा। ये है हमारा बेसिक तरीका इस सवाल पे अप्रोच लगाने का। लेकिन अभी हम सीखेंगे एडवांस तरीका, एडवांस में हमको किस प्रकार से अप्रोच लगानी है। चलिए इस सीरीज को हम मिटा देते हैं और एडवांस की तरफ चलते हैं। ये लीजिए हमने ये सीरीज लिखी थी वो मिटा दी, अब हम सवाल के हिसाब से उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये बोल रहा है बाएं से, तो हमने यहाँ लिख लिया बाएं से, बाएं से है ये तेरहवां, तेरहवां, और तेरहवां के बाएं कितना है चारवां, बाएं चारवां। अब ये तेरहवां के बाएं चारवां है तो ये रहेगा बाएं से ही, बाएं से, ठीक है जी। अब यहाँ बाएं आया है तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, तो ये हो गया जी। अब इसका उत्तर आ गया कि नौवां जो अक्षर होगा बाएं से वही इस सवाल का सही जवाब होगा। अब बाएं से नौवां जवान सवाल उत्तर जो होगा वही इस सवाल का जो है अक्षर होगा, तो लिख लेते हैं हम ए बी डॉट 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 एल एम, उसके बाद जेड वाई डॉट 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 एन ओ, एन ओ हमने लिख लिया जी। चलिए अब चूंकि पहला अर्धांश 13 अक्षर का होता है तो ये पहले ही अर्धांश में जो है ये नौवां आ जाएगा, नौवां है बाएं से, नौवां है बाएं से, पहले अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं तो बाएं से नौवां है, तो बाएं से जो अक्षर आ जाएगा बाएं से आती है आई, और आई हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई उस समय भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हुआ था जब बेसिक तरीका से हमने देखा था, और एडवांस तरीका से भी आई हमारे क्वेश्चन का जवाब हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है हमारा ये, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला क्रम में तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 17वें के बाएं दोवां अक्षर कौन सा होगा, यानी बाएं से, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे बाएं से 17वें के बाएं दोवां, दोवां, तो ये बाएं से ही होगा, 17वां बाएं हो जाएगा तो माइनस लग जाएगा तो हो जाएगा ऐसे। अब बाएं से लिखा जाएगा तो बाएं से ही होगा भैया। अब ये हो गया 15वां अक्षर जो बाएं से होगा वही हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। 15वां अक्षर कौन सा होगा इस सीरीज में, 15वां अक्षर होगा हमारा ए बी डॉट 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 एल एम जेड वाई डॉट 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 ओ एन। अब ये सीरीज है, प्रथम अर्धांश जो होता है वो 13 अक्षर का होता है, हमें पता है 13 अक्षर का होता है ये प्रथम अर्धांश। अब हमें बाएं से 13 अक्षर तो हमने निकाल दिए, बचा कितने, 2 अक्षर बचे, 15 - 13 = 2वां, दोवां हो गया द्वितीय अर्धांश से दाएं से। यान जब हमारा ये जो द्वितीय अर्धांश से विपरीत क्रम में लिख रहा है तो अब बाएं से हो जाएगा दोवां,
अब जब बाएं से ये दोवां हो जाएगा और विपरीत क्रम में लिख रहा है, तो अब इसको सही क्रम में जानने के लिए भैया क्या बनाएंगे, चलिए बता देते हैं क्या बनाएंगे। इसको बनाएंगे जी 13 + 1 - 2 को इसमें से कम कर देंगे, 14 - 2 बराबर 12वां अक्षर जो होगा। अब 12वां अक्षर जो होगा द्वितीय अर्धांश का, वही सही जवाब होगा। अब 12वां अक्षर द्वितीय अर्धांश का होगा और 13 पहले हैं, तो इसमें हम जोड़ लेंगे बराबर 25वां जो अक्षर होगा वही हमारा सही जवाब होगा। 25वां होता है हमारा, 25वां क्या होता है हमारा, 25वां होता है हमारा वाई, ये हमारा सही आंसर होगा। अगर वैसे भी देख लें 13 ये और 2 ये, 1 और 2 जब भी वाई आ रहा है, तो ये है इन सवालों को हल करने का फॉर्मूला तरीका। चलिए आगे और सवाल लेते हैं, उससे भी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला क्रम में तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो दाएं से 10वें के दाएं 4वां कौन सा अक्षर होगा। चलिए करते हैं, यहाँ दाएं से है तो दाएं लिख देंगे, दाएं से बराबर 10वां के दाएं 4, यहाँ दाएं से आएगा, दाएं से आएगा यहाँ पे 10वां, जब यहाँ दाएं है तो माइनस हो जाएगा 4वां, तो दाएं से 6वां जो अक्षर होगा दाएं से होगा, क्योंकि पहला जो अर्धांश है वो वर्णमाला क्रम में है और दूसरा जो अर्धांश है वो विपरीत क्रम में है। चलिए अब ये हमारा होगा दाएं से 6वां अक्षर, दाएं से हमारा 6वां अक्षर होगा, तो दाएं से कौन सा 6वां अक्षर होगा लगा लीजिए आप। यहां से हम ए बी सी ये 13 होते हैं, अब यहां हमें पता है कि ये दाएं से है और जो जो श्रृंखला है हमारी, जो क्या बोलते हैं श्रृंखला है, वो हमारे उल्टे विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, तो ये दाएं से है तो एन ओ ये बाएं से मान लेंगे हम, ठीक है ना। अब इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, यानी जो क्वेश्चन होगा वो होगा 6वां, यानी कि 13 तो ये सही क्रम में और n से आगे 6वां, n से आगे 6वां हो जाएगा 13 + 6 = 19वां। अब 19वां कौन सा होता है, s, s ही हमारा इसका सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 10वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। लिख लीजिए दाएं से 10वां, 10वां के बाएं 7वां, दाएं से हो जाएगा ये 10वां और बाएं से है तो प्लस हो जाएगा, बाएं आया तो 7 हो जाएगा, यानी दाएं से 17वां, 17वां दाएं से हमारा ये 17वां हो जाएगा। अब चलिए इसको लिख लेते हैं ए बी एल एम जेड वाई ओ एन, यानी ये हमको बोल रहा है यहाँ से 17वां जो अक्षर। अब जब 17वां अक्षर होगा, हमें पता है कि द्वितीय अर्धांश में जो अक्षर होते हैं वो द्वितीय अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं, और ये कितना पूछ रहा है, ये 17वां पूछ रहा है, तो 17वां जब हमको पूछ रहा है तो ये हमारी सीरीज जो है ये सही वर्णमाला क्रम में लिख रही है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, नई अप्रोच यहाँ लगानी है कि 17वां अक्षर है जो
दाएं से है, बाएं से बनाएंगे तो 26 प्लस 1 माइनस 17 करेंगे इसको, यानी 27 माइनस 17 17 दसवां अक्षर जो बाएं से होगा वही हमारा उत्तर होगा, दसवां अक्षर होता है हमारा जे। ये इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा जे। इस सीरीज में बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब हम चलेंगे नई सीरीज की तरफ। नई सीरीज हमारी होगी अल्फा न्यूमेरिकल। चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगली हमारी अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी। अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी क्या होती है? ये इस टाइप से लिख रही है बी दो तीन सी डॉलर चार हैच ई फाइव एट द रेट सी सिक्स। ये हमारी जो श्रेणी है एच आई क्यू जे परसेंटेज सेवन एट डॉट नाइन यू जेड वाई। इस प्रकार की श्रेणी मैं ए से जेड तक तथा जीरो से नौ तक और सांकेतिक चिन्ह। सांकेतिक चिन्ह कौन से हमारे? ये डॉलर है, इनका प्रयोग होता है, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग होता है जब बनती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी। अब इसी श्रेणी के आधार पर कुछ सवाल आते हैं, उन सवालों को हम जान लेते हैं। कौन से सवाल आएंगे? जब हमने वो श्रेणी कर ली तो इस श्रेणी में कुछ नहीं है, ये सिंपल श्रेणी है। सवाल किस प्रकार के आएंगे? बाएं से चार के दाएं पांचवा क्या होगा? होगा अब बाएं से दाएं के चार, बाएं से दाएं के चार पांचवा क्या होगा? अब देखिए बाएं से है ये कितना है? चार लिख दीजिए, एक दो तीन चार, चार के दाएं पांचवा, दाएं इधर ही जाएगा पांचवा, एक दो तीन चार पांच, पांचवा हमारा पांच आंसर आ गया। इसी प्रकार से बोलेगा क्या, अगर हमको और डीप में क्वेश्चन निकालने हैं तो इस श्रेणी पर नंबरिंग कर लेनी है हमने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हमसे कोई भी सवाल पूछे हम फट से बता सकते हैं। अब एक नया सवाल पूछ ले कि बाएं से ग्यारहवें के बाएं तीसरा कौन सा होगा? तीसरा तीनवा अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए अब इसमें क्या गया, बाएं से ग्यारहवें के बाएं से, तो बाएं से ग्यारहवा बाएं आ गया तो तीन में माइनस लगा देंगे, तो यानी हमको आठवां ढूंढना है, आठवां बाएं से ढूंढना है हमको, बाएं से आठवां एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवां हमें मिल गया, ये हो गया इसका सही आंसर। अगर हमको दाएं से दे रखता, मान लो कि हमको दाएं से आठवां ढूंढता तो दाएं से हम इधर से नंबरिंग कर लेते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। इनका सिंपल फंडा भैया कि नंबरिंग करो भाई इन पे, क्योंकि ये सीरीज आपको याद नहीं रहेगी। डॉलर की जगह पे कुछ और दे देगा, यू की जगह पे कुछ और दे देगा। तो इसका सबसे फंडा यही है कि अगर अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी के कोई सवाल आते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर इन सवालों को आप नंबरिंग कर लोगे सीरीज पे तो आप बहुत बढ़िया रहोगे। मान लीजिए सवाल उसने कह दिया कि दाएं से चार के दाएं दो,
वाम अक्षर कौन सा होगा भैया? अब हम जानते हैं दाएं से चाप, अब दाएं से ही आएगा, दाएं से है तो माइनस कर देंगे दो, यानी कि दाएं से दो वहां अक्षर होगा हमारा, दाएं से दूसरा कौन सा, एक दो यानी जेड हो जाएगा, एक दो हमारा जेड इसका सही आंसर हो जाएगा, जेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको इसमें औसत के सवाल देती है कि भैया नहीं औसत सॉरी औसत नहीं बोल दिया कि पाँच में और पंद्रह में के बीच कौन सा अक्षर आएगा, चलिए उसको भी ले लेते हैं। अभी हमारी श्रेणी हो गई, इसमें क्वेश्चन आया कि श्रेणी में बाएं से पांचवा और बाएं से पंद्रहवें के बीच में कौन सा अक्षर होगा, लिख लीजिए भैया बाएं से पांचवा है, यानी अगर हम औसत मतलब बीच वालों का निकालते हैं तो दोनों बाएं बाएं से होने चाहिए या दोनों दाएं दाएं से होने चाहिए, तभी हम सवाल निकाल पाएंगे बीच वाला सवाल। अब चलिए ये बाएं से पांचवा है और ये बाएं से पंद्रहवा पूछ रहा है, तो दोनों हो गए जी भैया पंद्रह, इनका औसत निकाल देंगे, ये हो गया बीस, बीस का औसत अब इन दोनों का निकालेंगे तो दो नीचे कर देते हैं औसत, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पढ़ के आए हो आप तो जल्दी जल्दी करना है इसको, तो ये भाई दसवां जो अक्षर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, दसवां कौन सा है हमारा, दसवां अक्षर है हमारा एट द रेट। अब ये हो गया हमारा आंसर, अब इस आंसर को हम मिलान कर लेते हैं, कैसे मिलान करेंगे, ये रहा हमारा पांचवा, ये रहा हमारा पंद्रहवा, अब इनके बीच में देखना भैया इनके बीच में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अक्षर आ रहे हैं, नौ में न्याय शास्त्र या न्याय संगत चीज़ ये है कि चार इधर छोड़ दीजिए, एक दो तीन चार, चार इधर से छोड़ दीजिए, एक दो तीन चार, दसवां हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर एट द रेट, एट द रेट ही इसमें आंसर आ रहा है। इस तरीके के इसमें सवाल जो है बनते हैं, ठीक है भैया जी, अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी में इस तरीके के जो हमारे सवाल बनते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, आज हमारा यहाँ पे अल्फाबेटिकल जो सीरीज है यानी वर्णमाला जो श्रृंखला है वो जो टॉपिक है हमारा वो पूरा हो गया है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।